छटे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है या अय्युहल लदीना आमनु तक्ल्लल्लाह वसीला इरशाद फरमाया ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो उसकी तरफ जो है वसीला ढूंढो वसीला तलाश करो मेरे के नाज़रीन इस आयते मुबारक के अंदर अल्लाह रब्लम ने वसीला तलाश करने का हमें हुक्म इर्शाद फरमाया अब यह वसीला कौन सा है जिसका रब ने हुक्म अता फरमाया है इससे आमाल का वसीला भी लिया गया यानी आदमी पर जो फरज़ हैं जो वाजिबात हैं जो एक उसको शरा तौर पर उस पर अल्लाह रबालमीन या उसके प्यारे हबीब्लाम ने जिन चीज़ों को लाजिम वाजिब करार दिया गया है ये चीजें इसी तरह दीगर आमाल चाहे वो सदका हो चाहे तिलावत कुरआन हो चाहे वो जिक्र हो चाहे वो कोई और ऐसा अमल के जिसके जरिए इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पहुंचता है रब का कुर्ब हासिल करता है और ये कहलाता है वसीला अमल का वसीला और अमल का वसीला भी इख्तियार किया जाना चाहिए और इससे मुराद ये भी लिया गया है दूसरी सूरत वसीले की के आमाल में से नहीं कोई और ऐसा मामला कोई मकाम कुर्ब वाला, मुकदस जगह मुकदस मकाम या अल्लाह के प्यारों इनका वसीला तलाश करके रब तबारक तआला का कुर्ब हासिल किया जाए या अपनी दुआओं के अंदर इनके वसीले को जो है वो जिक्र किया जाए तो ये कहलाता है वसीला और इस आयत मुबारक के तहत ये बिल्कुल जो है वो ये दुरुस्त है और ये जायज़ है